चैनल कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कृष्ण जन्माष्टमी कुछ लोगों ने कल मनाई है और कुछ लोगों ने आज मनाई है। आई थिंक आज रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए आज हम लोग हमारे घर में भी कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे ससुराल में और हमारे मायके में भी आज ही है। तो मैंने मम्मी से फ़ोन किया था और उनसे पूछा था कि कब है, तो उन्होंने बोला था आज है, इसलिए मैं आज ही मना रही हूँ। आप लोगों ने कब मनाई है मुझे ज़रूर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। और मैंने अभी शाम का टाइम है, सारा दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि काफ़ी बिजी थी घर को क्लीन करने में एंड प्रसाद वगैरह बनाने में, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई है थोड़ी देर पहले कि मैंने प्रसाद वगैरह सब कुछ बनाया है, तैयार किया है। एंड फिर शाम को मैंने नहाया है अभी एंड हल्के से बाल भी गीले हैं और बस ये मैंने झुमकी डाल ली है एंड बस सिंपल सी थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। आध्या को राधा रानी बनाया है, तो आध्या को मैं दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है
और मैंने सारी तैयारी कल कर ली है, जैसे कि मेवा पाक वो बनाया है, जैसे कि बच्चे के जन्म पर गुड़ का पाक बनता है तो मैंने गुड़ का पाक भी बनाया है, और पंचामृत एंड पंजीरी ये तो बनती ही है, एंड पूड़ियाँ भी सेक ली हैं। तो पूरा जो भी भगवान को लगता है वो सारी चीज़ें मैंने लगा के तैयार कर ली हैं, फल फ्रूट सब कुछ लगा के तैयार कर लिया है। कान्हा जी को खीरे में बांध कर अच्छे से अंदर रख कर बांध दिया है, और खीरे से कहते हैं खीरे से निकलते हैं कान्हा जी, तो जब 12 बजेगा तब कान्हा जी खीरे से निकलेंगे। अभी आपने मेरे वीडियो क्लिप में देखा है कि मैंने गणेश जी को बिठा दिया है अभी सिर्फ, और बाकी की उसमें साइड में जो जगह खाली है वहाँ बैठेंगे हमारे लड्डू गोपाल यानी कान्हा जी, जब उनका जन्म होगा 12 बजे, और फिर उनको अच्छे से नहला कर धुला कर एंड उनको अच्छे से रेडी करके नए कपड़े एंड मुकुट वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा कर सजा कर उनको बिठाया जाएगा एंड फिर उनको भोग कराया जाएगा। तो वो होगा 12 बजे, एंड इसीलिए मैंने उनको अभी छुपा के रखा है एंड पर्दा डाल दिया है, तो 12 बजे तक का वेट करेंगे। एंड मैं रेडी हो गई हूँ, आधा राधा बन गई है, एंड हस्बैंड अभी नहाने गए हैं। आज उनका फास्ट है, वो सुबह भी मतलब नहा के तैयार हो गए फास्ट थे, एंड अभी शाम को बोले फिर से मैं नहा लेता हूँ, तो वो नहा रहे हैं। और हमने खाना भी अपना बना के रख लिया है, तो बस पूड़ियाँ सेकने की बाकी रह गई हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट पूड़ियों को सेक के रखने। और अभी का जो टाइम है वो करीब 10:30 बज रहा है, यस 10:30 बज रहा है, मैं रात के 10:30 बजे मैं आपसे बात कर रही हूँ, और 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे होगा कान्हा जी का जन्म, हम कैसे करते हैं, और फिर उनको कैसे उनका स्नान एंड उनके सारे कपड़े वगैरह पहनाना, मैं क्या क्या लेकर आई थी जन्माष्टमी पर उनको कान्हा जी की नई ड्रेस, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अभी तो मैं जाके पूड़िया सेक लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ओके हेलो एवरीवन। सो अभी 12 बजने में सिर्फ 2 से 3 मिनट बाकी रह गए हैं और बस पट खुलने वाले हैं, एंड ठीक 12 बजे पर्दा हटेगा और कान्हा जी का जन्म होगा, और फिर उनको नए कपड़े पहनाए जाएंगे और सिंहासन पे बिठाया जाएगा। तो पूरी तैयारी हो गई है, उनका सारा भोग का सामान और जो भी कुछ है वो सब कुछ निकाल लिया है, और आधा राधा रानी से बारबी डॉल बन चुकी है, क्योंकि आधा बोल रही थी ये अपना फर्स्ट बर्थडे का इसका ड्रेस है, तो आजा बोली मैं अपना बर्थडे वाला ड्रेस पहनूंगी, तो उसने ये अपना ड्रेस चेंज कर लिया। आधा दिखाना, ये देखो आध्या बन गई अब बारबी डॉल, राधा नहीं बनी अब आधा बारबी डॉल बन गई। ओ हो प्यार कल्याण। तो चलिए बस पर्दा हटाते हैं और कान्हा जी का जन्म करते हैं। बाय बाय। बोलो कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय।
लाल की नंद पे आनंद मय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद पे आनंद मय अभी बाबा के आनंद मय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल की जय कन्हैया लाल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो थाली बजा रही हूँ मैं ताकि पता चलता है इससे कि कान्हा जी का जन्म हो गया है। अब इनको दूध से और शहद से गंगा जल से इन सब चीज़ों से इनको स्नान कराएंगे और फिर इनको अच्छे से नए कपड़े वस्त्र सब चीज़ें पहना कर तैयार करेंगे। और जो मंदिर में जो ये चांद सितारे लटक रहे हैं ये सब मेरे पति देव ने सजाए हैं। उन्होंने इस तरीके से डेकोरेशन किया है आज मंदिर का। आज उनका फास्ट भी है। पूजा जो है वो हो गई है और आरती कर ले रही हूँ एंड उसके बाद कान्हा जी का जो भी सारा चीज़ें हैं सारा सामान है जो कि बाहर पड़ा हुआ उठाकर अच्छे से रख देंगे और फिर हम लोग करेंगे जाके डिनर। रात के 12 बज रहे हैं मतलब अब तो 12 से ज़्यादा हो गया है एंड उसके बाद अब हम लोग करेंगे डिनर क्योंकि पतिदेव है मेरे आज व्रत। और ये जो पूजा इस तरीके से आज मैं कर रही हूँ रात को 12 बजे ये शादी के 6 साल हो गए हैं 6 साल बाद ऐसा कर रही हूँ क्योंकि पहले तो मेरे घर पे ना पूजा मेरे ससुराल में पूजा कान्हा जी वाली 9 बजे ही हो जाती है लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि नहीं उनका जन्म 12 बजे होता है जैसा कि मायके में मेरे होता है ठीक वैसे ही मैंने आज 12 बजे मनाई है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।